हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन झा है। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ आपका वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़। जो भी मतलब जो जॉब ढूंढता है या जॉब करना चाहता है, वो जॉब जो भी मेरे ट्यूटोरियल्स वो इसको रीड आउट करेगा तो इजीली वो कहीं पे भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, जिसको पता भी ना हो कि वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है। जो अपना इसमें फ्यूचर बनाना चाहता है वो इजीली इस चीज़ को मतलब रीड आउट करे और जब भी जॉब करने जाएगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ आनी चाहिए। हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट की, मतलब ये सारी चीज़ें होती क्या क्या है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग की, है ना। तो जो वेब डिज़ाइनिंग होती है, अगर ये आप पढ़ लेते हैं या ये आप समझ जाते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग है क्या और क्या क्या लैंग्वेजेस पे काम होता है वेब डिज़ाइनिंग में, तो आप कहीं पे भी 15,000 की जॉब आप ले सकते हैं इजीली, है ना। और हम ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, है ना। जो जो इंटरेस्टेड होगा वो लिंक्स पे मतलब आएगा, टेस्ट सीरीज देगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि बच्चे जाते हैं लेकिन, है ना, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, प्रॉपर मतलब चीज़ें नहीं समझ पाते। वेब डिज़ाइनिंग में आपको सिर्फ ये HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery भी बहुत कम इंस्टीट्यूट बताता है ना। ये सारी चीज़ें बता देते हैं, बट क्या होता है कि जब भी वो जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब में एज अ इंटरव्यूअर मतलब कुछ पूछता है कि मतलब बताइए कि आप फोटोशॉप आता है आपको, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ लैग कर जाते हैं कि फ़ोटोशॉप नहीं पता, कैसे करेंगे डिज़ाइनिंग, है ना। तो अब फिर उसके बाद वर्डप्रेस, कुछ सम नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्डप्रेस है क्या, कैसे वर्क करता है आपका, क्या होता है वर्डप्रेस, क्या है ना, क्यों यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट पेज को कैसे यूज़ करेंगे, है ना, थीम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को मतलब इसमें कन्फ्यूजन्स होता है, बट ये भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML5 की, है ना। वेब डिज़ाइनिंग में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे HTML5। HTML है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के काम आती है। वेब पेजेस मीन्स मतलब जो भी आपके वेब ब्राउजर्स पे मतलब रन करती है ना। जैसे अभी जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा चल रहा है वो आपका क्रोम चल रहा है। क्रोम पे हम कोई भी मतलब वेबसाइट्स देखते हैं, वो हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा, है ना, वो रिप्रेजेंट डेटा होता है आपका HTML के थ्रू। HTML के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको डीपली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और फिर इसके बाद हमारा आता है CSS3। CSS3 क्या होती है कि एक आपका इस मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है ना। सपोज़ आप एक स्केलेटन है, स्केलेटन क्या हो गया, ये आपका HTML5। दैट मीन्स मतलब किसी का भी एक स्ट्रक्चर बनाना, उसका काम क्या है, HTML5 करता है वो। जैसे कि सपोज़ आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं होम का, ठीक है। अब होम में क्या होता है कि जब घर बनता है आपका तो एक पहले स्ट्रक्चर बीम्स डलते हैं, डेट मीन्स एक स्ट्रक्चर आपका रेडी हुआ। स्ट्रक्चर रेडी होता है तो डेट मीन्स वो होता है HTML5 के थ्रू, है ना। अब इसके बाद होता है CSS आपका, है ना। अब CSS क्या होता है, CSS आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं। डेट मीन्स उसमें पलस्तर करना, डेट मीन्स उसमें ना POP करना, ये सारी चीज़ें, ये सारी फंक्शनैलिटी कौन वर्क कर रहे हैं, ये आपका CSS3, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं Bootstrap 4। अब Bootstrap 4 क्या है, ये एक एज अ फ्रेमवर्क है, जल्दी से और इजीली आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करेगा। ये क्या है कि एक फ्रेमवर्क है CSS का, शॉर्टकट जिसे बोला जाता है ना। ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये एक शॉर्टकट है जो आप इजीली CSS में जो क्लासेस होती है क्लासेस के ऊपर इधर वर्क कर सकते हैं आप। इसमें प्री डिफाइंड आपके क्राउजल्स हैं, प्री डिफाइंड टेक्स्ट हैं, मतलब आपको क्या है कि इनलाइन CSS या एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इधर इजीली इसको क्लासीफाई कर सकते हैं क्लास के थ्रू, है ना, जिससे क्या होता है कि आपका जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट्स बन जाती हैं, है ना, Bootstrap के थ्रू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं JavaScript की। JavaScript क्या है, देखिए आपने अपने घर में देखा होगा कि बहुत सारे बटन्स को क्लिक करने के बाद हर बटन्स की अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है ना, तो वही हमारा JavaScript वर्क करता है। JavaScript की अपनी अपनी एक सब बटन्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, वो ID के थ्रू उन सबको वर्क करता है। जैसे आपने बटन दबाया, फैन ऑन हुआ, डेट मीन्स ये फंक्शनैलिटी है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं jQuery की, है ना।
जेक्वेरी क्या हुआ, जैसे रिमोट एक्सेस हो गया आपका, है ना, रिमोट को कैसे कंट्रोल किया जाए, एसी ऑन हो जाता है रिमोट कंट्रोल कंट्रोलिंग पे, है ना, तो ये जेक्वेरी होता है। जेक्वेरी आपका फंक्शंस पे काम करेगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या ये प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा, है ना। तो मैं सारे एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बट हम स्टार्ट करेंगे HTML से सारी। अब फोटोशॉप की बात करते हैं। फोटोशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे है ना कौन कौन से टूल्स कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, क्लोन क्या होता है उसके अंदर, है ना, हम कैसे एक इमेज को और बैनर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, इमेज को कैसे एडिट करेंगे, है ना, और जितने भी टूल्स होंगे ना, जो भी मतलब टूल्स प्री डिफाइंड होंगे जो फोटोशॉप के अंदर, वो सारे टूल्स को मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे मतलब क्या क्या वर्क करना होता है उन सब पे, है ना। फिर उसके बाद आपका वर्डप्रेस आया, है ना। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक CMS है जो कैश कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो क्या होता है कि प्री ऑलरेडी बना होता है PHP के अंदर। आपको इसमें है ना, अगर आप इस पर काम करते हैं तो आपको इसमें कोडिंग के अंदर जाने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या है कि ऊपरी ऊपरी मतलब इसमें आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड बना हुआ है पूरा, है ना। आप इसमें कोई भी मतलब आपको इमेज इंसर्ट करनी है या आपको कुछ भी मतलब जैसे थीम बनाना है सपोज, है ना, तो थीम बनाने के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंटर होता है हमारे पास, है ना। एलिमेंटर पे आप है ना वर्क कर सकते हैं, एलिमेंटर को प्लगइन कर सकते हैं, प्लगइन्स पे वर्क होता है बेसिकली इन सब चीज़ों में, है ना, कि प्लगइन पे हम कैसे काम करेंगे, प्लगइन में क्या होता है ये, है ना। तो हम प्लगइन्स पे काम करेंगे, अपेरेंस पे काम करेंगे, अपेरेंस में आपके थीम्स होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि पोस्ट कैसे करेंगे हम इन सब से मिल के एक लाइव प्रोजेक्ट पे और काम करेंगे। लाइव प्रोजेक्ट मीन्स मतलब उस पर क्या बोलते हैं कि जैसे कोई भी एक वेबसाइट आप कमेंट में लिख दीजिएगा कौन सी वेबसाइट पर मुझे है ना वीडियोज़ बनानी चाहिए, हम उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है, है ना। अगर आपको कुछ और मतलब इसमें एडिशनल ऐड करना है या कुछ भी मतलब अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।